अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज हमें जब पता चला कि हमारा जोकर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान कॉन्सुलेट आया हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने उसका इंटरव्यू सुना कि उससे बॉल टीवी का नुमाइंदा पूछ रहा था कि आपने तुर्की से क्या मुआहदे किए और अमेरिका से आपने बिजनेस डीलिंग पे क्या मुआहदे, क्या बातचीत की है, क्या कोई नतीजा खैज आपकी बातचीत हुई है। जिस पे बिलावल का जवाब बड़ा ही मजे का खेज था। बिलावल कहता है बीबी शहीद का बहुत प्यार था, भट्टो शहीद का बहुत प्यार था और हम भी कोशिश करेंगे, इनसे बहुत प्यार करेंगे। माजरत चाहती हूँ बिलावल साहब, ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये शहीदों और गाजियों के खून का तकाजा है। पाकिस्तान की बुनियादों में माओ के शहीद बेटों का खून है। आप लव स्टोरी से समझते हैं क्योंकि आप अहल नहीं थे। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है, जिस पाकिस्तान की बुनियादों में शहीदों का खून है, उस पाकिस्तान को चंद कार्टून के हवालों कर दिया गया है इदारों ने। अगर इदारों की टांगे कांप गई थी तो आज अगर हम इमरान खान के पीछे खड़े हो सकते हैं तो हम पाकिस्तान के इदारों के पीछे भी खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के इदारों को यह सोचना चाहिए, अदलिया को और एस्टेब्लिशमेंट को। आज अगर हम इमरान खान की आवाज बने हुए हैं उसकी मुहिम बलवितनी पर, तो जब इमरान खान कप्तान था हम उसकी इस तरह आवाज नहीं बने थे। उसके मोहिबल वितन होने पर आज हम इमरान खान की आवाज बने हुए हैं। इदारों को सोचना चाहिए, अगर वो ये मोहिबल वतनी अपना किरदार अदा करते तो हम इदारों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट और अपनी अदलिया के साथ इसी तरह खड़े होते जिस तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप खुद ही देख लिए कि उन्होंने वजीर खारजा होते हुए तजारती पॉलिसी के ऊपर मजीखा खेस इंटरव्यू दिया। पूरे पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, पूरी कौम की जग हसाई हो रही है। इस कौम में बड़े बड़े स्कॉलर हैं, इस कौम में बड़े बड़े बहादुर हैं, इस कौम में बड़े अहल लोग हैं। मैं पाकिस्तान की अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को ये मुजरिम, ये मुस्लिम और ये कार्टून ही मिले थे हम पे मुसल्लत करने? कौन सा पाकिस्तान से आप लोगों ने बदला लिया है? पाकिस्तान ने आपके जिस्मों पे वर्दी पहनाई है, पाकिस्तान ने आपके शोल्डर पे काला कोट बनाया है। इसलिए नहीं पहनाया था कि आप इस कौम को बेच दें, इस कौम को सेल कर दें। आपको ये कोट काला पहनाया गया था, आपको ये वर्दी पहनाई गई थी इस कौम के तहफ्फुज के लिए, इस कौम की हिफाजत के लिए, इस कौम के बेटों को दोबारा इस काबिल करने के लिए। लेकिन नदामत और अफसोस से कहती हूँ, लेकिन अगर अभी भी अदलिया ने और इदारों ने अपनी गलती को दुरुस्त ना किया तो इंकलाब कंफर्म है। हम इमरान खान के लिए ही नहीं, हम पाकिस्तान के लिए। इमरान खान की काज पाकिस्तान के लिए है। अगर वो जिसकी औलाद यहाँ नहीं, जिसके बच्चे यहाँ नहीं, जिसको कोई लालच नहीं, जिसने अपनी जदाद पाकिस्तान के नाम कर दही है, हम उस इमरान खान के पीछे खड़े हैं जो शहादत के जज्बे से निकला है। वो जिया है तो गाजी बनके, वो मरने को तैयार है तो एक शहीद बनके। मैं वर्दी वालों से पूछती हूँ, इस शहादत को क्या नाम दोगे तुम, इस गाजी को क्या नाम दोगे? लेकिन तुम दो ना दो, पाकिस्तान की तारीख इमरान खान को गाजी का भी नाम देगी, शहीद का भी नाम देगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।